अयोध्या में दीपोत्सव आज 7.5 लाख दीपक से जगमगाएगी राम की पैड़ी। देश में डेंगू के 1.16 लाख से ज्यादा मामले, केंद्र ने 9 राज्यों में हाई लेवल टीम भेजी। कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर समीक्षा बैठक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे समीक्षा बैठक, कम वैक्सीनेशन वाले जिलों की समीक्षा करेंगे। WHO तकनीकी समिति की बैठक आज, कोवैक्सीन को मिल सकती है आज मंजूरी। शेयर बाजार में तेजी, सेंसेक्स 24 अंकों की उछाल के साथ खुला। नमस्कार, प्राइम टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश बुलेटिन की। दिवाली और दीपोत्सव के मौके पर राम की नगरी अयोध्या रोशनी से नहाई हुई नजर आ रही है। मंदिरों, बाजारों, घरों से लेकर बड़ी बड़ी इमारतें दीपोत्सव और दिवाली के पर्व के लिए दुल्हन की तरह सज चुकी है। आज छोटी दिवाली के मौके पर अयोध्या में दीपोत्सव पर लाखों दिए जलाए जाएंगे। यहां इस बार योगी सरकार द्वारा रिकॉर्ड कायम करते हुए राम की पैड़ी पर 12 लाख दिए जलाए जाएंगे। इनमें 9 लाख दिए सरयू किनारे स्थित राम की पैड़ी पर और 3 लाख दिए अयोध्या के मठ मंदिरों में जलाए जाएंगे। इस आयोजन की गवाह बनने के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम भी अयोध्या नगरी पहुंच चुकी है। बता दें कि विश्व रिकॉर्ड कायम करने के लिए मिट्टी के दिए को कम से कम 5 मिनट तक जलना होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ भी आज 2 बजे तक अयोध्या नगरी पहुंच सकते हैं। वो राम की पैड़ी पर सरयू आरती करेंगे। इसके बाद शाम 6 बजे से राम की पैड़ी पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन शुरू हो जाएगा। तो नया विश्व रिकॉर्ड आज कायम होगा। पिछले 4 सालों से ये रिकॉर्ड कायम होता आया और पिछले सारे रिकॉर्ड आज टूटेंगे, क्योंकि भव्य दीपोत्सव होने जा रहा है अयोध्या में और इसका साक्षी बनने के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम भी अयोध्या पहुंच चुकी है। आपको बता दे कि नए रिकॉर्ड को कायम करने के लिए राम की पैड़ी पर 12 लाख दिए जलाए जाएंगे। इनमें 9 लाख दिए सरयू किनारे स्थित राम की पैड़ी पर, 3 लाख दिए अयोध्या के मठ में और इस आयोजन की गवाह बनने के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने जा रहा है। उसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। तस्वीरों में देख सकते हैं आप किस तरह से तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और सुबह से ही तस्वीरें सामने आ रही है कि किस तरह से लोग मौजूद हैं वहां पे सांस्कृतिक कार्यक्रमों को करने के लिए। तमाम तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, भव्य आयोजन देखने को मिल रहा। पूरी अयोध्या नगरी रंगों से, रोशनी से सजी हुई नजर आ रही है। 2 दिन पहले ही रोशनी के रंग में, जो तरह तरह के रंग बिरंगी रोशनियां हैं उससे सज चुकी है अयोध्या। और आज जो भव्य दीपोत्सव होने वाला है, जहां 1.7 लाखों दिए जलाए जाएंगे, उसकी तैयारी भी पूरी हो चुकी है। तो खुद सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचकर सरयू आरती भी करेंगे। उसके बाद कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे और तमाम कार्यक्रम होंगे। शाम में लेजर शो समेत कई कार्यक्रम होंगे, जिससे जमीनी नहीं आसमान को भी जगमगाया जाएगा। पटाखों पर बैन लगाया गया है। और इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता नितिन जी जुड़ चुके हैं। नितिन, जिस तरह से भव्य तस्वीरें सामने आ रही है अयोध्या से, क्या कहेंगे? देखिए, राम की शुरुआत हो चुकी है और सुबह 10 बजे से ये शोभा यात्रा, झांकियां जो है उनकी शुरुआत करी गई है। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल, कई सारे केंद्रीय मंत्री, किशन रेड्डी के साथ साथ कई सारे बड़े नाम जो है वो अयोध्या पहुंचने वाले हैं। और बताया जा रहा है कि आज एक भव्य कार्यक्रम होगा और उसके बाद दीपोत्सव का जो कार्यक्रम होना है उसको देखने के लिए लाखों की संख्या में वहां पर श्रद्धालु हैं। वहां पर बड़े पैमाने पर जो साधु संत है वो मौजूद है, जनता जो है वो मौजूद है। और इसके अलावा सबसे अहम बात यह है कि उत्तर प्रदेश ही नहीं, उत्तर प्रदेश के अलग अलग जो अलग अलग राज्य है देश के, वहां से भी लोग श्रद्धालु इस वक्त अयोध्या पहुंचे हुए हैं। और बताया जा रहा है कि करीब 3:35 पर कई सारी परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया जाएगा। और इसके अलावा
कई सारे और जो प्रमुख कार्यक्रम है वो होगा, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि 9 लाख दिए जो है वो जलाए जाएंगे इस पूरे कार्यक्रम में। और जो इधर लाइट शो जो कि बीते कई दिनों से अयोध्या में चल रहा है, जिसकी तस्वीरें हमने और आपने देखी हुई है, वो काफी मनमोहक है। और एक बार फिर से आज उन लेजर लाइट शो के जरिए जनता और देशवासियों को ये बताने की कोशिश की जाएगी कि अयोध्या दीपावली दीपोत्सव और इसके अलावा ये जो राम नगरी है ये कितनी भव्य हो सकती है। जी, जिस तरह से रोशनी चारों तरफ देखने को मिलेगी नितिन, और भव्य नजारा देखने को मिलेगा, 2 दिन ही हम देख रहे हैं कि भव्य नजारा है, तो जो एक साथ दिए जलाए जाएंगे उसका समय क्या है, कितने बजे एक साथ सारे दियों को प्रज्वलित किया जाएगा? देखिए, शाम को 6 बजे का कार्यक्रम है दीपोत्सव का, जब 6 बजे दीपोत्सव का कार्यक्रम शुरू किया जाएगा और 12 लाख दीपों को प्रज्वलित, एक रिकॉर्ड है वो बनाया जाएगा। इसके अलावा राम की पौड़ी पर 9 लाख जो दिए हैं वो जलाए जाएंगे। इसके अलावा सबसे अहम बात यह है कि इतनी बड़ी संख्या में दीप जलाए जाएंगे पहली बार होएगा, और ये भी सबसे अहम बात यह है कि ये वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा जो कि गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में भी इसको दाखिल किया जाएगा। और इसके अलावा शाम को 7 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनता को और जो भी वहां पर श्रद्धालु और जो भी इस पूरे कार्यक्रम को देखते आएंगे उत्तर प्रदेश की जनता को और देश की जनता को संबोधित भी करेंगे। तो ये अपने में एक बड़ा कार्यक्रम है, और कहीं ना कहीं सरकार एक जब दीपोत्सव का कार्यक्रम एक साल में खत्म होता है तो अगले साल के दीपोत्सव के कार्यक्रम में लग जाती है, और उत्तर प्रदेश सरकार का ये 5वां दीपोत्सव का कार्यक्रम होएगा। तो ये भी सबसे अहम है कि देखना ही होगा कि इस बार ये दीपोत्सव का कार्यक्रम कितना छाप तोड़ता है जनता के मन में, और इसका कितना फायदा जो होगा वो बीजेपी को 2022 में होने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता नितिन जुड़े थे। तो भव्य तरीके से आयोजन किया जा रहा है दीपोत्सव का, और आज अयोध्या में अलग ही रंग रूप देखने को मिलेगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। भारत में दिवाली का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, मगर महंगाई ने इस त्योहार को पिछले वर्ष की अपेक्षा इस बार फीका कर दिया है। मथुरा में जब हमारे संवाददाता ने लोगों से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि लोगों के पास पैसा नहीं है, महंगाई के कारण खरीदारी नहीं हो पा रही है, हर चीज महंगी है, जिसकी वजह से उत्साह तो लोगों में है लेकिन कुछ चीज खरीदने में जेब का बजट खराब होता दिख रहा है। आपको बता दें कि दिवाली से पूर्व धनतेरस पर जहां बर्तनों की दुकानों से लेकर दुकानों पर ग्राहकों की भीड़ देखने को मिलती है, वहीं इस बार कम संख्या में लोग खरीदारी करते हुए नजर आए। आज धनतेरस का समय है, धनतेरस होते ही हमारे साथ में दंपत्ति है जिन्होंने ये खरीदारी करने निकले। आइए इनसे पूछते हैं कि पिछली दिवाली की अपेक्षा इस दिवाली पर क्या परिवर्तन है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम वर्षा है। वर्षा जी, बताइए आपका पिछली दिवाली की अपेक्षा इस दिवाली पर क्या परिवर्तन है? इस दिवाली पे हमने ये परिवर्तन देखा कि पिछली दिवाली पे कम भीड़ भाड़ थी बाजार में, हम कोरोना की वजह से जो है ना घर से बाहर आने में भी डर रहे थे, लेकिन इस साल जो है क्या कहते हैं भीड़ भाड़ बढ़ी है, बाजारों में रौनक बढ़ी है, और हम क्या कहते हैं जैसे पिछले साल हमने धनतेरस पे इतनी खरीदारी नहीं करी थी, लेकिन इस साल हमने धनतेरस पे खरीदारी करी है। लक्ष्मी की अपेक्षा महंगाई अब है या पहले महंगाई? महंगाई तो खैर है। कितनी महंगाई समझ रही है? समझ लीजिए 50% जी। ऐसी महंगाई में भी आपकी जेब पर बजट है आपका? बजट तो बिगड़ा है। अच्छा, आप बताएं आप इनके साथ हैं, आपने कितनी खरीदारी? देखिए, अभी खरीदारी में झालरें हैं, दिए हैं, मिठाई है, और अभी खरीदारी करना बाकी है। कील बतासे हैं, जो भी है, महंगाई है, आप ये बहुत ज़्यादा महंगाई है, लोग अपना काम कर रहे हैं। अनुभव तो ये है कि 2 साल से काम ही नहीं है और ये 3रे साल भी आया है, तो लोग डर के काम कर रहे हैं क्योंकि मार्केट में पैसा ही नहीं है, काम करने को कोई है ही नहीं, कोई खरीदने को तैयार नहीं है। काम है लेकिन वो कुल 25% सिर्फ। इसका कारण क्या है? महंगाई, लोगों में डर, दहशत, लोग आ नहीं रहे, जा नहीं रहे, पैसे की भी थोड़ी दिक्कत है। मैं तो यही कहूँगा हम लोग व्यापारी लोग जाएँ कहाँ, काम यहीं करना है, मरना यही, जीना यही। 2 दिन और है, छोटी दिवाली है, बड़ी दिवाली है, आप मानते हैं कि 2 दिन में कोई प्रगति है? मुझे कोई रूपरेखा नजर नहीं आ रही काम धंधे की। पंच दीपोत्सव के अवसर पर 2,51,000 दीपों से जगमगा उठी भोले की तीर्थ नगरी बटेश्वर।
अयोध्या नगरी की तर्ज पर लाखों दीपकों की रोशनी से नगरी बटेश्वर जगमगा उठी है। यमुना किनारे मंदिर श्रृंखला जिला पंचायत ने दीपोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान लोगों के आकर्षण का केंद्र भी बना और वहां ब्लॉक का तीर्थ धाम बटेश्वर काफी आकर्षक नजर आया। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ, जहां थाना शाहगंज के डिवीजन चौक के शाहगंज पुलिस को बड़ी लापरवाही के चलते हथियारबंद बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। मृतक परिवार कई बार थाने और उच्च अधिकारियों से शिकायत कर चुका है, लेकिन उसके बावजूद कार्यवाही नहीं की गई। हथियारबंद बदमाशों ने अधिवक्ता राम मुद्गल और उसके बेटे पर गोलियां चला दी। राम मुद्गल अपनी दुकान पर बैठे थे, तभी हथियारबंद चार बदमाशों और दो बाइक पर सवार होकर आए और अधिवक्ता राम मुद्गल और उसके बेटे पर गोलियां चला दी। गोलियां लगने से अधिवक्ता राम मुद्गल ने इलाज के दौरान अपना दम तोड़ दिया। राम मुद्गल जो कि शागन थाना क्षेत्र के रहने वाले थे और 65 वर्ष उनकी एज थी, एक प्रॉपर्टी के विवाद में कुछ लोगों द्वारा उन पर गोली चलाई गई, जो उनकी जो उन्हें तत्काल हॉस्पिटल लेकर आया गया और वो यहाँ पर इलाज के दौरान उनकी मौत हुई। श्री मुद्गल जैसा कि बताया गया है नॉन प्रैक्टिसिंग एडवोकेट थे, रजिस्ट्रेशन उनका था लेकिन प्रैक्टिस नहीं किया करते थे, और जो लोग नामजद कराए गए उसमें से भी कुछ लोग एडवोकेट हैं। देखिए, श्री राम मुद्गल जो कि शागन थाना क्षेत्र के रहने वाले थे और 65 वर्ष उनकी एज थी, एक प्रॉपर्टी के विवाद में कुछ लोगों द्वारा उन पर गोली चलाई गई, जो उनकी जो उन्हें तत्काल हॉस्पिटल लेकर आया गया और वो यहाँ पर इलाज के दौरान उनकी मौत हुई। श्री मुद्गल जैसा कि बताया गया है नॉन प्रैक्टिसिंग एडवोकेट थे, रजिस्ट्रेशन उनका था लेकिन प्रैक्टिस नहीं किया करते थे। और जो लोग रायबरेली में अवैध पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हुआ है, विस्फोट इतना जबरदस्त था कि इसकी आवाज आसपास के गांवों तक सुनाई दी। विस्फोट से पटाखा फैक्ट्री की बिल्डिंग मलबे में तब्दील हो गई। इसकी चपेट में आकर 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं, जिनमें एक की हालत ज्यादा खराब बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि 2 साल से बिना लाइसेंस के फैक्ट्री चल रही थी और पुलिस को भनक तक नहीं लगी थी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची एडिशनल SP विश्वजीत श्रीवास्तव ने उन्हें बताया कि मामले की जांच के बाद फैक्ट्री संचालक के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। ये थाना नसीराबाद में कूड़े पांडे गांव पड़ता है, जहां पे गांव के बाहर खेत में एक कमरे में कुछ लोग पटाखे का निर्माण कर रहे थे, जिसमें कि वहां आग लगने के कारण ब्लास्ट हो गया, जिसमें कि 3 लोग इंजर्ड हुए हैं, एक की स्थिति गंभीर है, बाकी अन्य 2 लोग सामान्य हैं, उनका उपचार कराया जा रहा है और अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। सर, चर्चा है इसका लाइसेंस 1 साल पहले निरस्त था, आप ये कहा? उनके लाइसेंस के बारे में जांच कराई जा रही है और जो भी तथ्य आते हैं उसके आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। बुर्रा फरीदपुर गांव में शौच के लिए युवक की गोली मारकर बाजारे के खेत में हत्या कर दी गई, जिसके बाद परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है। युवक की हत्या से गांव में सनसनी फैल गई है। हत्या की खबर सुनते ही परिजनों का रो रोकर बुरा हाल हो गया है। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। ये जनपद बदायूं के थाना उझानी अंतर्गत बर्रा फरीदपुर गांव में आज प्रातः ये रोहतास यादव हैं, जिनकी उम्र 27-28 वर्ष है, ये प्रातः शौच के लिए घर से निकले थे और वापस न आने पर परिजनों ने जब खोजबीन की तो गांव के पास ही एक खेत में उनकी डेड बॉडी मिली है और घटनास्थल के निरीक्षण और बॉडी के निरीक्षण से लग रहा है कि किसी ने उनको। हमीरपुर जनपद के पुलिस अधीक्षक के दिशा निर्देश पर सुमेरपुर थाना पुलिस और स्वाट टीम की संयुक्त टीम ने सुमेरपुर कस्बे के फैक्ट्री एरिया क्षेत्र में 4 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से पुलिस ने चोरी की 12 मोटरसाइकिल और अवैध तमंचा कारतूस बरामद किया है। पुलिस अधीक्षक कमलेश कुमार दीक्षित ने प्रेसवार्ता कर मामले का खुलासा करते हुए बताया कि ये चोर
जिले में नहीं बल्कि अन्य जनपदों में भी वाहन चोरी को अंजाम देते थे। इनके गिरोह के अन्य सदस्य अभी फरार हैं, जल्द ही उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस अधीक्षक ने इस गिरोह को गिरफ्तार करने वाली टीम को 10,000 रुपए से पुरस्कृत भी किया है। आज हमीरपुर जनपद के सुमेरपुर थाना में स्वाट टीम और सुमेरपुर थाना द्वारा वाहन चोरों का एक शातिर गिरोह पकड़ा गया है, जिसमें से 4 अभियुक्त पकड़े गए हैं। इसमें हरिकुशन इस गिरोह का सरगना है। पूर्व में ये कई बार वाहन चोरी में जेल जा चुका है। महोबा में एक बार इसे 1.5 दर्जन मोटरसाइकिलें बरामद हुई थी, एक बार 8 मोटरसाइकिल हमीरपुर में बरामद हुई थी। आज इस गिरोह से कुल 12 मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं। मथुरा में मगोरा में 2 समुदायों के बीच घमासान झगड़ा हो गया। झगड़े में कई लोग घायल हो गए हैं। बता दें कि बाइक को लेकर दोनों गुटों में झगड़ा हो गया था। एक ग्रामीण पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचा, वहीं घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो दोनों पक्ष में जमकर विवाद हो गया था, जिसके बाद जमकर मारपीट हुई, जिसमें ग्रामीण घायल हो गए हैं। वहीं एक ग्रामीण की सूचना पर पुलिस पहुंची, जिसके बाद पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है। घटना है कि हमारे जो भाई हैं आए हुए गांव से, इन्होंने क्या किया कि ये खाद का घर के लिए किसान है, खाद का कट्टा लेके जा रहे थे। रास्ते में उनको भैंस रास्ते में बांधते हैं हमारे मोमडन जो हैं हमारे गांव के, उनका खास बाइक के सामने उनकी भैंस आ गई। भैंस को लेके उन्होंने ये कहा कि भैंस को हटाइए भैया थोड़ा। जालौन में अब क्रिमिनलों का गढ़ बनता जा रहा है। बीते दिन हुई 19 लाख की लूट से जनपद दहल उठा है। अभी उस घटना को कुछ ही दिन बीते थे कि अब कोतवाली क्षेत्र में एक युवक पर अज्ञात बदमाशों ने जानलेवा हमला कर लहूलुहान कर दिया और उसके रुपए छीन कर फरार हो गए। आनन फानन में युवक को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। थाना बधोकर के शारदा नहर के पास अनियंत्रित तेज रफ्तार कार खाई में गिर गई। खाई में कार गिरने से कार ड्राइवर को गंभीर चोट आई है। स्थानीय लोगों की सूचना पर भारी पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची, जबकि खाई में गिरी कार को क्रेन के सहारे बाहर निकाला गया है। आपको बता दें, रायबरेली की एक घटना है, जहां तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। कि अभी हम घर पे थे, वहाँ से एक गाड़ी दिखी, यहाँ से ऊपर से आई और नीचे आवाज़ आई, तो यहाँ गिरी खाई से नीचे चल के वो खाई में चली गई। और उसके बाद यहाँ जो आदमी था वो निकाला गया, उसके बाद उसके हल्की फुल्की जो चोट आई थी उसके बाद वो निकाल के बाद उसका सामान वामान निकाला गया। उसके बाद उसको एक आदमी को फोन किया गया, उसका आदमी आया उसको ले गया। कहाँ पे गाड़ी गिरी है? ये गाड़ी गिरी है मेहरबान के पुरवा के पास, थोड़ा सा आगे सादा सहाय के। अच्छा, सरदार है के नीचे जी। रायबरेली के थाना बधोखर के शारदा नहर के पास की घटना है, जहां पे तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई, जिसके ड्राइवर को गंभीर चोटें आई हैं। हालांकि उसका रेस्क्यू कर लिया गया है और इलाज के लिए उसे भर्ती कराया गया है। उत्तर प्रदेश के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ।